जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान। तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शनिवार का दिन 2 सितंबर, सूल योग 9:22 तक, उसके बाद गंड योग आरंभ होगा। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 12:30 तक शनि स्वामी रहेगा। उसके बाद रेप्ति नक्षत्र में बुध और बृहस्पति का प्रभाव है, जिसमें बुध प्रबलता से आपको प्रभावित कर रहा है। आज आपकी कुंडली शनि और बुध के प्रभाव से प्रभावित है। राहु की छाया है, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र जिसका स्वामी शनि होता है, अपने कर्म से धन कमाना, अपने कर्म से वैभव संपन्न जीवन जीना, पुत्र स्त्री से सुख पाना, मनोरथ की पूर्ति करना, यश कीर्ति का पताका चारों ओर लहराना, सब कुछ शनि से प्राप्त होता है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि बड़ा शुभ होता है। आपकी कुंडली में आज शनि और बुध सम सप्तक योग बना रहे हैं, यानी शनि की सप्तम दृष्टि बुध के ऊपर है और बुध की सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर है, जबकि शनि केतु के साथ नवम पंचम योग बना रहे हैं। शनि की नवम दृष्टि केतु के ऊपर है और केतु की पंचम दृष्टि शनि के ऊपर। आज शनि के प्रभाव से आपके जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं। जब भी शनि प्रबलता से अपना प्रभाव आपके जीवन पर डालता है तो शनि आपका भाग्य विधाता बन जाता है। शनि जो कर्म फल दाता है, जो आपकी मेहनत का फल आपको देता है, जिसकी आहट से जीवन में बड़े परिवर्तन हो जाते हैं और जिसके आने से जीवन में सौभाग्य बढ़ जाता है, वो शनि जीवन में सुखी और भाग्यशाली बनाता है। आज शनिवार का दिन है। शनि का प्रभाव आपके ऊपर प्रबलता से आपके भाग्य को प्रभावित कर रहा है। शनि का प्रभाव खास करके आपके जीवन में लाभकारी साबित होता है, जब बुध की स्थिति अच्छी होती है, जब केतु की स्थिति अच्छी होती है, जब शुक्र की स्थिति अच्छी होती है, तो शनि आपके लिए वरदान बनकर शुभ फल लेकर आपके जीवन में शुभता को बढ़ाता है। शनि जब शुभ हो जाता है तो तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं। शनि जब शुभ हो जाता है तो जीवन से अशुभता दूर हो जाती है और जीवन में खुशियां बढ़ जाती है। आज आपके सारे काम सिद्ध होंगे। शनि का प्रभाव प्रबल है, बुध का प्रभाव प्रबल है और बृहस्पति मंगल की दृष्टि है। नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में शनि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। मेहनत से जो भी काम करेंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। सौभाग्य का वरदान आज बृहस्पति और मंगल की दृष्टि से आपको प्राप्त होगा। रेप्ती नक्षत्र 12:30 के बाद बुध और बृहस्पति की प्रबलता बहुत ज़्यादा होगी। चंद्रमा जो आज बृहस्पति के घर में बैठा है, चंद्रमा की स्थिति बहुत ही शुभ है, यानी जीवन में शुभ लाभ का योग, धन संपत्ति सौभाग्य का योग, इरादे बुलंद है, हौसला बुलंद है, भाग्य बुलंदी पर है। ऐसे में जीवन बड़ा प्रभावशाली हो जाता है, भाग्य चमकने वाले हैं, बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली आप हैं। सोचे हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे, दिन अच्छा है, कार्य सफल भी होंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा, आमदनी भी आपकी बढ़ेगी,
पराक्रम से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कर्म की ताकत से बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी प्राप्त करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। यानी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, लाभ का योग बन जाता है, भाग्य सौभाग्य आपका साथ देने लगता है। जब शनि और बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर होती है, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि जब शुभ होती है, तो समस्या खत्म होने लगता है, असंभव दिखने वाला कार्य भी संभव बन जाता है। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। शनि आपके जीवन में शुभ फल देगा, बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति आपके जीवन में होगी, बहुत लाभ और सुख आप पाएंगे। रेती नक्षत्र का बुध नौकरी व्यापार में बड़ा भाग्यशाली बनाता है, शुभ कल्याणकारी होता है, जिससे भाग्य की वृद्धि होती है, महत्वाकांक्षा आपकी पूरी होती है। थोड़ा सावधान रहें, अच्छा लाभ होगा, शक्ति साहस का परिचय दें, अच्छा लाभ होगा, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी, पराक्रम से उपलब्धि हासिल करने का अवसर भी प्राप्त होगा, संतुष्टि भी होगी, समृद्धि भी होगा, लाभ धन भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान कार्य की सफलता, नौकरी व्यापार का बढ़ना तरक्की का योग है। आत्मविश्वास को बनाकर रखें, आपके जीवन में बहुत सुख है, लाभ तरक्की और स्वाभिमान आपका बढ़ने वाला है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र, तृतीय चरण का स्वामी शनि है, चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है, जिसमें सूर्य और बुध की युक्ति है और शुक्र की स्थिति सुख बढ़ाने वाला है। शनि कर्म का फल देगा तो चंद्रमा भाग्यशाली बनाएगा। तो आज का दिन आपके लिए लाभकारी दिन है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, शनिवार का दिन है, भाग्य आपके अच्छे हैं, लाभ तरक्की का अवसर प्राप्त होगा। आज राहु काल 9:10 से 10:45 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर नीला होगा, लकी नंबर 6 होगा। आज आपके लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:29 से आरंभ होगा, जो खुशियों को बढ़ाने वाला साबित होगा। अमृतकाल 8:12 के बाद अपने कर्म की ताकत से बड़ी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:55 के बाद मांगलिक कार्य का योग बनेगा और विजय मुहूर्त 2:28 के बाद विजय प्राप्त होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो आज का दिन आपके सारे काम सिद्ध होंगे, मेहनत से काम करें, भाग्य अवश्य आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा, सुख समृद्धि आपको देगा। शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।